पे दोबारा देखिएगा, कैरल कार्बन किसको बोलते हैं, जिसके जो सारे ग्रुप हैं वो अलग अलग लगे हुए हैं, उसको हम बोलते हैं कैरल कार्बन। तो कैरल कार्बन में क्या होता है, अगर ये बॉन्ड यहां से टूटता है, न्यूक्लियोफाइल अगर पीछे की तरफ आके लगता है, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ आके लग रहा है, तो यहाँ होती है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन होना। और अगर ऐसा रेसमाइजेशन होती है कि न्यूक्लियोफाइल 50% इधर लगा हो, 50% ऑपोजिट जगह पे लगा हो, तो वो होता है रेसमाइजेशन। अब वर्ड आती है भाई, ये जो आपकी रेसमाइजेशन है, या ये जो आपका क्या हो रही है, इन्वर्जन हो रही है, ये वर्ड कब आता है, ये क्या इस कंपाउंड में आएगा? अगर मान लीजिए ये H और ये XO, अब आप खुद सोचिए, ये जो कार्बन है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कार्बन है, ये ए कायरल कार्बन है, ए कायरल। तो अब यहाँ पे एक्स यहाँ था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके लगे या पीछे आए, बात तो एक ही है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों जो कंपाउंड है, दे आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, मतलब वो इनेंशियोमर नहीं है एक दूसरे के, वो सेम कंपाउंड ही मैंने ड्रॉ कर दिया। तो रिटेंशन कब होती है, जब ये जो अल्फा कार्बन हो, ये क्या हो, ये ए कायरल हो, मतलब जो बॉन्ड टूट रहा है वो ए कायरल जो कार्बन है उसका बॉन्ड टूटे। ये समझ में आया सबको? यस मैम। आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे अगर आप देखें, जब मैंने इसी आपको बताया था, इधर एक यहाँ, अब आप ये देखिए, ये मैंने इसीलिए एग्जांपल दिए थे, जो आप घर से पढ़ के नहीं आए, ये कंपाउंड आपको बताया, इसमें अगर आप देखेंगे जो कार्बन है वो ए कायरल है, इसमें दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, मतलब एक बार मैंने OH यहाँ बनाया, एक बार मैंने ऑपोजिट साइड पे बनाया, तो दोनों जो कंपाउंड है वो सेम है। क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको रोटेट करके देखेंगे तो वो एग्जैक्टली ऐसा ही आता है, इसमें भी CH3 पीछे की तरफ है, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो CH3 पीछे की तरफ ही आएगा यहाँ पे भी, और एक CH3 आगे की तरफ आएगा। तो ऐसे जो कंपाउंड है, इनमें आप जो है OH चाहे इस साइड लगा दीजिए चाहे उस साइड लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों कंपाउंड फाइनली क्या बनने वाले हैं, सेम बनने वाले हैं, ठीक है। जबकि अगर ये जो ये कार्बन, जैसे ये वाला कार्बन देखिए, ये कायरल कार्बन है, इस पे एस्ट्रिक लगा दिया मैंने, इसकी ये जो मिरर इमेज बनती है, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, मतलब OH अगर इधर लगा होगा तो अलग कंपाउंड होगा, अगर ऑपोजिट जगह पे लगा होगा तो कंपाउंड क्या होने वाला है, अलग होने वाला है। ये दोनों क्या है, इनेंशियोमर्स है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि अगर मान लीजिए रिटेंशन कब होगी, जब आपका जो अल्फा कार्बन है वो क्या हो, ए कायरल हो, तो उसके अंदर OH इस साइड लग जाए या ऑपोजिट साइड लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भाई दोनों ही जो है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, तो इसलिए उन केस में आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर किन केसेस में एग्जिस्ट करते हैं, जो कंपाउंड क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। समझ आ गया? तो रिटेंशन कब होती है, या तो कंपाउंड पूरा का पूरा क्या हो, कंपाउंड जो है वो पूरा का पूरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, मतलब उसमें एक भी कायरल कार्बन ना हो। दूसरा, रिटेंशन कब होती है, जब क्या होता है, कंपाउंड तो कायरल है लेकिन जो बॉन्ड टूट रहा है वो जो है, वो कार्बन जो है, जिस कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है वो स्टीरियो सेंटर नहीं है, यहाँ कह दे कि वो कायरल नहीं है, मतलब वो ए कायरल कार्बन है। तो यहाँ पे मान लो ये जो बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे आके दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो हमें क्या, क्योंकि ये जो कंपाउंड है यहाँ पे, तो कंफिगरेशन क्या रही, सेम ही रही, क्योंकि ये क्या है, ऑप्टिकली ये जो कार्बन है ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, ये कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। तो दो केसेस में रिटेंशन होती है, या तो पूरा कंपाउंड ही ऑप्टिकली क्या हो, इनएक्टिव इनएक्टिव हो, या फिर कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन जो बॉन्ड टूट रहा है वो कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, एक कायरल कार्बन का, एक कायरल कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है। ये मैं इसलिए बता रही हूं, ये MCQ के क्वेश्चन में आ सकता है। मान लो ये स्ट्रक्चर दे दे और मैं आपको ये बोलूं कि इसमें
क्या होगा, रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा या रेसमाइजेशन होगा? अब कुछ बच्चे तो ये देख लेंगे, ये सोचेंगे ये माइनस प्लस हो गया भाई, इन्वर्जन हो गया। मैंने दोबारा बोला है, इन्वर्जन रिटेंशन का मतलब ये नहीं है कि माइनस प्लस नहीं बन सकता या प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इस कन्फिगरेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। वो तो पोजीशन के हिसाब से होता है, वो तो कन्फिगुरेशन अलग है। ये हमें डेक्स्ट्रो या लेवो से मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रिटेंशन का मतलब डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो रहना या लेवो लेवो रहना मतलब नहीं है, उसको भूल जाओ। मेन बात ये है कि भाई जो आपका कमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, वो इनकमिंग वाली जगह पे लगा है या नहीं लगा है। तो मान लो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, आप देखिए बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, एक आयरल कार्बन का टूट रहा है, बाकी बॉन्ड वैसे के वैसे रहे, बाकी बॉन्ड पे क्या कोई फर्क पड़ा है? नो मैम। तो बॉन्ड जौन सा टूटा उस बॉन्ड पे ध्यान दीजिए कि वो कार्बन कायरल है या एक कायरल है। अगर एक कायरल है तो रिटेंशन, अगर कायरल होगा फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर मैकेनिज्म SN2 होगा तो इन्वर्जन, अगर SN1 होगा तो रेसमाइजेशन। ठीक है, ये वन मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैं बता रही हूं आपको। समझ में आ गया कि अगर कभी पूछा जाए रिटेंशन हो रही है, रेसमाइजेशन हो रही है या इन्वर्जन हो रही है, तो याद रखिए इन्वर्जन होती है SN2 में, रेसमाइजेशन होती है SN1 में। और SN2 किसमें ज्यादा स्पीड से होता है, 1 डिग्री में, किसमें होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, और SN2 किसमें होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। लेकिन अगर आता है रिटेंशन कब होती है, तो रिटेंशन के लिए चेक करना पड़ेगा कि कार्बन कायरल है या एक कायरल है। अगर कार्बन एक कायरल होगा तो रिटेंशन, अगर एक कायरल है, अगर वो कायरल कार्बन है तो या तो SN1 हो रहा होगा या SN2। SN1 कब हो रहा होगा, जब 3 डिग्री होगा। SN2 कब हो रहा होगा, जब 1 डिग्री होगा। समझ आ गया ये कि इसमें, और ये कुछ याद नहीं करना आपने, पर MCQ का क्वेश्चन आ सकता है। समझ आ गया, कायरल कार्बन को स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। तो रिटेंशन कब होती है, जब नो बॉन्ड टू स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। जो स्टीरियो सेंटर वाले कार्बन है उनका बॉन्ड नहीं टूटा, किसका बॉन्ड टूटा है, ऐसे कार्बन का जो स्टीरियो सेंटर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, एक आयरल कार्बन। ठीक है, यस मैम। तो इसके अंदर ये सारी लैंग्वेज आपने याद नहीं करनी है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए बोला है, बड़ा जर्नल सा क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहले तो मैं SN1 SN2 का ही बता दूं, ये आप कर लेंगे, इसमें आपने इतनी सारी लैंग्वेज नहीं लिखनी है। अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2। तो SN2 में मैं ये चीज दोबारा बोल रही हूँ, ये आपने क्वेश्चन तो खुद ही करना है, पर मैं आपको बता रही हूँ SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल या लीविंग न्यूक्लियोफाइल, वो अगर आपका सेम है, तो आपको मैंने बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें कम होती है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री में, इसमें आप देख लेंगे। बाकी अगर आप कंपेयर करते हैं सीएल और बीआर को, अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने सर्कल लगाया है, इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, मैंने कहा था चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, RI, फिर RBR, फिर आपका RCl, यही बताया था। तो इसलिए बेटर लिविंग ग्रुप क्या होगा, BR, तो BR की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये आपने खुद करना है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 7, इसमें SN1 देखना है, SN1 देखना है। तो SN1 जब आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें कार्बो कटायन बनता है, कार्बो कटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन। अब आप इसमें देख लीजिए, ये जो है ये 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री है, 3 3 डिग्री है। अब आप मुझे बताइए, ये जो, चलो हम, मुझे ये तो समझ में आ गया कि इसकी सबसे कम रिएक्टिविटी होगी ये वाले की, इसको मैं ए कह दूं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि ये तीनों ही 3 डिग्री है, कौन सा होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, आयोडीन वाला, क्योंकि मैंने कहा चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, अगर R सेम है तो आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये। तो ये वैसे ऑर्डर ठीक ही लिखा गया है, यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा बीच में। ठीक है,
यस मैम ओके अभी ये पहला क्वेश्चन मैं बाद में समझाती हूँ, पहले ये SN1 और SN2 वाले देख लेते हैं। अब ऐसे इसमें ही बोला गया, कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड, अब इसको देख लेते हैं ध्यान से, अरेंज द फॉलोइंग हैलाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN1। अब कोई कहेगा भाई इसमें क्या है, देखिए आपने ये लैंग्वेज नहीं याद करनी है, ये सिर्फ समझने के लिए। अब आप देखिए ध्यान से, ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये वाले को, ये भी अलाइलिक है, ये अलाइलिक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, मैंने बताया था अलाइलिक में कार्बोकटाइन क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ये 2 वाला सेंटर वाला। यहाँ ध्यान देखिए, सीएल जिस कार्बन, सीएल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे अगला कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 2। अब बारी आती है ये 3 और 1 की, तो अगर आप देखें 1 क्या है, 1 डिग्री, और ये जो 2 है ये क्या है हमारा, 2 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव 2 है, उसके बाद ये तीसरे वाले का नंबर आएगा, फिर ये किसका आएगा, पहले का नंबर आएगा। ये समझ में आता है, आप चेक कर लीजिए, पहले तो 1 डिग्री 2 डिग्री लिखिए, आप ये देखेंगे ये वाला जो कार्बन है ये आपका प्राइमरी हैलाइड है, ये भी आपकी 2 डिग्री हैलाइड है, ये भी 2 डिग्री हैलाइड है, तो आपको पता है SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनाता हो, तो 3 डिग्री उसके बाद 2 डिग्री, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री, फिर होगा 1 डिग्री, पर यहाँ पे तो 2 2 डिग्री आ गए। अब इन दोनों 2 डिग्रीज में फर्क देखिए, एक जो है अलाइलिक है, एक नॉर्मल है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अभी तो बताया था अलाइलिक या बेंजाइलिक, ड्यू टू रेजोनेंस कार्बोकटाइन इज एक्स्ट्रा स्टेबलाइज, ठीक है। Yes, ma'am. और ये इतना बड़ा नहीं लिखना, ये आंसर नहीं लिखना, ये सिर्फ समझना हो तो समझ लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो होगा 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 1। अच्छा अब देखिए, अब मैं इसको आपको पहले मैं कुछ और बताती हूँ, यही वाला क्वेश्चन बताती हूँ। ये कोई क्वेश्चन बच्चा अगर 9 पढ़ेगा ना बेटा, तो 9 क्वेश्चन में कहेगा भी ये कहाँ से आ गया, ये तो मैडम ने कराया नहीं। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन, आपको ये समझ में आएगा कि ये मैंने कराया ही नहीं है। पानी से हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो बेटा ये एक क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। क्या है जो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे या आप आगे देखेंगे ना, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, कार्बोकटायन बनता है इंटरमीडिएट। तो आपको पता है, अगर इस आपको पता है अलाइलिक जो कार्बोकटायन होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो आप इसमें ना ये कहानी लिखने की बजाय आप ये लिख दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस इज SN1 मैकेनिज्म, अलाइलिक कार्बोकटायन इज एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर अलाइलिक क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव। सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इनको समझाने के लिए बताया है। आप ये कह देंगे हाइड्रोलिसिस फॉलो SN कौन सा मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, या फिर आप सिंपल ये कह देंगे इन हाइड्रोलिसिस, या ऐसे भी बोल सकते हैं इन हाइड्रोलिसिस कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। दोबारा से सुनिएगा, इन हाइड्रोलिसिस कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, अलाइलिक कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर अलाइलिक क्लोराइड इज मोर रेडली हाइड्रोलाइज। सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब बेटा ऐसे नीचे वाले का देखिए, अब विनाइलिक किसको बोलते हैं, विनाइलिक इसको बोलते हैं जिससे ये वाला क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वही sp2 है। तो बेटा अगर विनाइल कार्बोकटाइन बनता है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मान लीजिए Cl निकल गया, Cl-, तो विनाइलिक स्टेबल नहीं होता है। विनाइलिक क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए इसकी हाइड्रोलिसिस क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि भाई इसमें क्या है, विनाइल के अंदर, ये देखिए विनाइल के अंदर जो कार्बोकटाइन बनेगा, ये ना इन्होंने ये थोड़ा सा इसको वैसे बनाया, विनाइलिक जो है इट इज नॉट स्टेबल। और दूसरी चीज ये होती है कि ये जो डबल बॉन्ड, एक तो विनाइलिक जो होता है ना, विनाइलिक कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं होता, दूसरी चीज कि ये जो बॉन्ड होता है ना ये वाला, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। दो कारण होते हैं, एक तो विनाइल कार्बोकटाइन जो बनने वाला है वो स्टेबल नहीं बनने वाला, दूसरा रीजन कि ये जो
CCl bond है vinyl के अंदर, it has partial double bond character due to resonance, therefore difficult to break. समझ आ गया? दो कारण, एक तो ये जो CCl bond है vinyl में, जैसे बेंजीन में होता है, it has double bond character due to resonance. तो इसमें भी double bond character होते हैं due to resonance. ये resonating structure इन्होंने बना के बताए हुए हैं. अगर आपको ना नहीं बनाने आए कोई बात नहीं, आप इतना लिख दीजिए कि इसमें double bond character है due to resonance, therefore difficult to break. Therefore, do not undergo hydrolysis readily. और दूसरा कारण है vinyl carbocation formed will not be stabilized. ठीक है, समझ आ गया सबको? Yes. ये जो क्वेश्चन है ना, ये अलग से दिया हुआ था, मैंने इसलिए ये लिख दिया यहाँ पे. अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. कह रहे हेलो अल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन हेलो अरीन में नहीं होता. तो मैंने आपको बताया था ना, CX bond in haloarene has partial double bond character due to resonance, therefore difficult to break. बस यही आंसर है, बाकी इन्होंने इतना लंबा लिखा हुआ है वो नहीं लिखना. जैसे मैंने बताया था कि इन haloarene, जैसे मैंने फिनॉल में बताया था आपको, ये हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होते हैं, मतलब सॉरी, इनमें इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होते. इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे. उसके बाद ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये अलग सा क्वेश्चन था, इस ये आपसे हो जाए तो कर लीजिए. अब ये कह रहे हैं अगर मैं RCl की हाइड्रोलिसिस करती हूँ, मतलब मैं अगर RCl से ROH बनाती हूँ, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है अगर मैं उसमें छोटा थोड़ा सा कैटलिस्ट KI डाल दूं. क्यों? क्वेश्चन समझ में आया कि अगर मैं RCl से ROH बनाती हूँ तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है अगर उसमें मैं थोड़ा सा अमाउंट, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ क्या डाल दूं, KI डाल दूं. समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. ये कह रहे हैं असल में क्या होता है, ये जो RCl होता है ना, ये क्या करता है बेटा, KI के साथ रिएक्ट होकर RI बना लेता है, और हमें पता है आई इज द बेटर लिविंग ग्रुप, तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इंक्रीज हो जाएगी. तो हाँ, इंक्रीज हो जाएगी. तो इन्होंने वही लिखा है, आयोडाइड पावर न्यूक्लियोफाइल है, वो RCl से RI बनाएगा, और हमें पता है I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो RI का रिएक्शन हाइड्रोलिसिस जल्दी हो जाएगी. और ये जो I माइनस है ये दोबारा से रिसाइकल होता जाएगा फिर ये अगले रिएक्शन में, तो थोड़ा सा ही KI डालने की जरूरत पड़ेगी. तो ये क्वेश्चन था, मैंने इसलिए बता दिया. वैसे इसीलिए बोला है, और कोई नया टॉपिक नहीं करा रही हूँ, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बता रही हूँ. अच्छा, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 4-5, ये अभी मैं बताऊंगी, और इसके अलावा 9 क्वेश्चन. इसमें कह रहे हैं कौन सा SN2 किसमें फास्ट होगा, देन और मैं आपको कौन सा बताने वाली हूँ, ये 16 आप खुद करेंगे, SN2 के हिसाब से आपको अरेंज करना है. क्वेश्चन 15 मैं आपको बताऊंगी अभी, और एक क्वेश्चन है 18. क्वेश्चन 18 पढ़ लो. कह रहे क्लोरो, पैरा डाइक्लोरो बेटा किसको बोलते हैं, ये वाला, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ऑर्थो और मेटा से ज्यादा है. तो मैंने क्या रीजन बताया था, क्यों ज्यादा है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, इट कैन बेटर फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस. याद है सबको? यस मैम. यस मैम. अब वो हाँ, अब जो है, अच्छा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और ऐड किया हुआ है, वो तो एनसीईआरटी का था, ये भी एनसीईआरटी में ना मैंने कहीं पे ये देखा, इन्होंने बोला कि पैरा की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है. मेल्टिंग पॉइंट का रीजन आपको मैंने बता दिया, बिकॉज ऑफ सिमेट्री इट कैन बेटर फिट इनटू क्रिस्टल लैटिस. पर यहाँ पे एक चीज और ऐड की गई है कि जो पैरा होती है ना इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है देन ऑर्थो एंड मेटा. तो सॉल्युबिलिटी का रीजन ये लिखा है कि भाई ये जो है अगर आप देखें, इट हैज अ बेटर, इट बिकॉज इसका जो क्रिस्टल लैटिस है, जब कोई चीज डिसॉल्व होती है तो जो पैरा आइसोमर जो है उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके क्रिस्टल को तोड़ने के लिए. जब आप उसे पानी में घोलेंगे, लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी, बिकॉज उसका जो पैरा का जो क्रिस्टल है वो क्या है, वो अपने क्रिस्टल में बेटर तरीके से फिट हो रखा है. तो इसका मतलब जब आप इसको घोलेंगे तो जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको आपस का साथ छोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो मतलब ये पानी में
नहीं घुलेगा। तो ये चीज इन्होंने लिखी हुई है द क्रिस्टल, बिकॉज इसका क्रिस्टल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए क्रिस्टल लेटस ब्रेक, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक और डिसॉल्व द पैरा आइसोमर। तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने और ऐड कर दिया, अगर कभी मेल्टिंग पॉइंट का सॉल्युबिलिटी का आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट का आपको पता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री इट कैन बेटर फिट इन टू क्रिस्टल लैटिस। इसका क्रिस्टल लैटिस जो है वो बेटर फिटेड है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो बेटर क्लोजली पैक्ड है। तो जब आप इसको घोलेंगे पानी में तो उन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन अब वो जो है अच्छे से बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। इसका मतलब आपको वो क्रिस्टल लैटिस तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा, तो वो पानी में उतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही करना है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है, ये वाला, ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये एनसीईआरटी का है। इसमें मैकेनिज्म लिखना है, यहाँ प्रॉपर नहीं लिखा है, इसमें लिखा है मैकेनिज्म लिखना है आपको। ये अगर आप देखें ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले एनसीईआरटी का। ये रहा क्वेश्चन 10 दिख रहा है आपको, 10.15। क्या कह रहे हैं बेटा, मैकेनिज्म लिखना है। अब आप कहेंगे मैकेनिज्म लिखना है, तो अब आप पहले ये रिएक्शन देखिए, ये कौन सा रिएक्शन है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल बीआर है, इसका रिएक्शन हो रहा है केसीएन के साथ, बीआर की जगह पे सीएन लग गया, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे इसमें तो मैडम ने दो मैकेनिज्म कराए, एक SN1 और एक है SN2, यही बोलेंगे ना। Yes, ma'am. अब आप कहेंगे कौन सा लिखूं, SN1 लिखूं या SN2 लिखूं। तो आप अब इस कंपाउंड को देखिए, रिएक्टेंट को देखिए, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाला। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, 1 डिग्री। और 1 डिग्री किसमें फास्ट होता है, 1 डिग्री किसमें, SN2 में। तो इसका मतलब मुझे इसमें SN2 लिखना पड़ेगा, मतलब मुझे बैक साइड अटैक दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना ये जो ऊपर कहानी लिखी है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा CN- इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये स्टेप लिखना है खाली, ये वाला, ऊपर वाला नहीं लिखना है, वो तो उन्होंने एक्सप्लेन करने के, वो क्वेश्चन ही उन्होंने चेंज कर दिया। तो आप खुद से देखिए मैंने इस पे क्या बनाया है, बैक साइड अटैक बनाया। अब कोई बच्चा बोले मैडम इसमें इन्वर्जन होगी या रिटेंशन होगी, कोई वो बच्चा मुझे बताए इसमें इन्वर्जन होगी, रिटेंशन होगी या रेसमाइजेशन होगी, बताइए। कोई भी बच्चा बताए कि इसमें इन्वर्जन, रिटेंशन या रेसमाइजेशन होगी, बता दीजिए। ये मेरा, मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया आप पे, मैकेनिज्म सबको समझ में आ गया, इसने ये सोचा कि SN2 हो रहा है तो इन्वर्जन हो रही है। इन्वर्जन कब होती है, जब कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो बेटा SN1 हो चाहे SN2 हो, हाँ रिटेंशन है तो रिटेंशन होगा। हाँ रिटेंशन ही है इसमें, क्योंकि भाई कोई मतलब ही नहीं है इन्वर्जन से या रेसमाइजेशन से, कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये कंपाउंड ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, इनेंशियोमर बनेंगे ही नहीं। ठीक है ना, इनेंशियोमर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बेटा ये स्टेप है इसका, तो इसीलिए मैंने इसको देखिए, ये हमारा मेन ध्यान ये देखिए यहाँ पे होना चाहिए। अगर मान लो ये जो है ये टर्शरी ब्यूटाइल होता, टर्शरी ब्यूटाइल टी लिखा होता एन की जगह पे, तो मान लो ये होता ये कंपाउंड, ये वाला, इसके अंदर मैं कौन सा मैकेनिज्म लिखती, SN2, मतलब पहले स्टेप में इसको यहां शिफ्ट कर देती, ये पहला स्टेप हो गया, फिर यहां पे क्या बन जाता पहले स्टेप में, कार्बोकैटायन बन जाता। अगली बार में यहां पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, CN- ये एक मिनट, CN- ये इधर अटैक कर देता बस। अब कोई बच्चा कहे मैम यहां से जोड़ू वहां से जोड़ू, कहीं से भी जोड़ दो, दोनों कंपाउंड सेम ही बनने वाले हैं, आप चेक करो ये जो कार्बन है ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, कहीं से भी जोड़ दो, चाहे इसको यहां लिख दो, जब ये अटैक करने के बाद वो कंपाउंड ये बन जाएगा, क्योंकि बेटा इसमें आपको ना ज्योमेट्री नहीं देखनी, आपके कोर्स में वो वाली चीज नहीं है। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म है तो आप जहां मर्जी लगा दीजिए। ठीक है, अगर ये टर्शरी होता
एक लास्ट क्वेश्चन है यहीं पे, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। ये कह रहे हैं एक हाइड्रोकार्बन है जो कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाता है ब्राइट सनलाइट पे। ये हाइड्रोकार्बन बताइए। अब देखिए पहली चीज, ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है, ये आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है। पहली बात कोई बच्चा ये कहेगा कि मैम इसमें ना C5H10 है, तो बेटा इसका फॉर्मूला देखो जर्नल क्या बनता है। कोई बच्चा ये बोल सकता है मैडम ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो अल्कीन का फॉर्मूला है, बोल सकते हो ना आप मुझे कि ये तो अल्कीन का फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का फॉर्मूला है, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। या तो देखिए बेटा इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन कम है, या तो ये डबल बॉन्ड होगा या ये साइक्लिक होगा। अगर ये कंपाउंड डबल बॉन्ड होता तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाता। आपको याद है मैंने एक रिएक्शन बताया था, मैंने ये कहा था कि ये जो रिएक्शन होता है ये हेलोजिनेशन हो जाती है डबल बॉन्ड की, हो जाती है कि नहीं हो जाती है, है ना। हाँ तो लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसमें एक चीज मेंशन की गई है कि ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट, नॉर्मल क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है। ये जो है ब्राइट सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है, मतलब ये कोई साइक्लिक, ये जो है ये कोई हाइड्रोकार्बन है, नॉर्मल साइक्लो अल्केन है, ये अल्कीन नहीं है। तो ये कहानी नहीं लिखनी है, ये ऊपर वाला स्टेप ये सीबीएसई के हिसाब से बता रही हूँ। तो आप सिंपल है, इससे साइक्लिक कंपाउंड कौन सा बनेगा, एक ही तो बनेगा बेटा, ये वाला। और इसकी जब आप मोनोक्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरीन यहां लगा दो चाहे किसी और पोजीशन पे लगा दो तो एक ही मोनोक्लोरो बनेगा, एक ही बनेगा ना, ये वाला। तो ये आपको ये स्टेप लिखना है खाली कि आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। तो बाकी चीजें आपने अपने दिमाग में कैलकुलेट करनी है। ये देखिए ये कह रहे हैं इसका फॉर्मूला ये है C5H10, ये अल्कीन भी हो सकता है, ये साइक्लो अल्केन भी हो सकता है, पर ये अल्कीन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करता डार्क में, तो ये कोई साइक्लो अल्केन ही होगा। तो भाई एक ही प्रोडक्ट देता है तो ये रहा कंपाउंड। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आ जाता है, ठीक है। समझ आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ रहे हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3, CCl4 या CH2Cl2, इसमें डाइपोल मूवमेंट किसकी ज्यादा है। तो इसके लिए मैंने सबका स्ट्रक्चर बनाया। अगर आप CCl4 की बात करें, तीन बॉन्ड डाइपोल नीचे की तरफ है, तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आता है, ऊपर वाले से कट जाता है, तो ओवरऑल इनका रिजल्टेंट जो आता है जीरो आता है। तो जो CCl4 होता है उसकी डाइपोल मूवमेंट होती है जीरो। अब आप अगर इसको कंपेयर करें CH क्लोरोफॉर्म और इसको, किसको, CH2Cl2 को, तो CH2Cl2 की डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आती है। यहाँ पे मैं आपको उतने बढ़िया तरीके से समझा नहीं पाऊंगी, पर आप यहां देखेंगे इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, मतलब कम आएगा, एक क्लोरीन के बराबर आता है, तो ये थोड़ा सा ऐड होगा, इसकी डाइपोल मूवमेंट आती है 1.08। लेकिन अगर आप ये इसकी बात करें CCl4 की, तो यहां पे बेटा इसका जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना ये इधर को आएगा, और ये जो क्लोरीन एटम है ना दोनों का रिजल्टेंट इस साइड को आता है, तो ये जो वैल्यू होती है ना ये ज्यादा आती है एज कंपेयर टू 108। तो इस वजह से जो CH डाइक्लोरोमीथेन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, इसकी डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये हमें करना ही है। हाँ कोई और, बस यही था, किसी को कुछ पूछना हो अभी पूछ लो जल्दी से। तो ये रहा। पूछ लीजिए किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि आपने ये खुद करना है। इसके अंदर एक क्वेश्चन है डाइपोल मूवमेंट वाला, ये मैं बाद में कराऊंगी, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में कराऊंगी, ये वाला। बाकी अल्काइल हैलाइड पानी में क्यों नहीं घुलते, ये मैंने आपको बता दिया था, बिकॉज इनका जो इंटरमोलिकुलर, न्यू इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है पानी के बीच में और अल्काइल हैलाइड के बीच में, वो वीकर होता है देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। मैम हाँ बोलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रही है मैम। अगर मैम SN1 में मैम अगर
टू डी और बेंजीन ग्रुप साथ में और थ्री डिग्री ऑप्शन है, तो मैम किस पे करेंगे? बेटा क्या मुझे समझ में नहीं आया? मैम SN1 में। अच्छा अच्छा ठीक है, समझ आ गया समझ आ गया। तुम क्या कह रहे हो, एक मिनट रुको, दोबारा से क्वेश्चन पूछना। मैम एक मैम बेंजीन ग्रुप साथ में और टू डिग्री और दूसरा थ्री डिग्री, तो इसमें से मैम। अच्छा तुम ये कह रहे हो? यस मैम। बेटा पहली चीज, कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम? न्यूक्लियोफिलिक की, और मैंने बताया बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है। हाँ तो SN1 की भी बात कर रही हूँ, है तो न्यूक्लियोफिलिक ही, ये बॉन्ड टूटेगा। बेंजीन में तो मैंने बताया है ना कि जो आपके हेलोअरीन होते हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते नहीं है, क्यों? बिकॉज दिस बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। बेटा SN1 और SN2 का मतलब ही है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और मैंने आपको बताया जब एक्स एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो ये इसको बोलते हैं हेलोअरीन्स। इनमें तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते नहीं है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। मैम अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लग जाए तो? ग्रुप लग जाए मतलब यहाँ पे अगर तुम ये कह रहे हो, अगर मैं बता रही हूँ किसमें होगा, यस सर, तो ये बेटा ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक हलाइड नहीं है, ये तो यहाँ पे गिनती करो 1 डिग्री है। अगर मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, मान लीजिए इसके साथ कंपेयर कर रही हूँ, ये भी 1 डिग्री है, पर आप देखोगे अगर मैं SN1 देख रही हूँ, SN1 तो SN1 में आपको पता है बेंजाइलिक जो होता है, अभी मैंने बताया था अलाइलिक एंड बेंजाइलिक आर मोर क्या होते हैं, कार्बोकैटायन, तो ये वाला ज्यादा होगा। okay. और अगर कोई बच्चा का SN2 तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखो किसमें कम है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? इस वाले में, ए वाले में, ए वाले में, हाँ ए वाले में। और मान लो कभी आपको ध्यान, कभी आपको SN1 का समझ में ना आए, तो कई बार होता है ना कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो SN2 का देख लो, SN2 किसमें कम ज्यादा जल्दी होगा, जिसमें SN2 जल्दी होगा उसमें SN1 फास्ट नहीं होगा, है ना? यस मैम। और पूछो किसी ने, आई थी वो ठीक कर लीजिएगा, तुम उससे नेक्स्ट क्लास में पूछ ली लें, ठीक है? ओके ठीक है।